दोस्तों, आपने कई वीडियोस में हनी बैजर को अपने से बड़े जानवरों से भिड़ते हुए देखा होगा, लेकिन जब कई जंगली कुत्ते मिलकर इस छोटे जीव से पंगा लेंगे तो अंजाम क्या होगा। वैसे तो लिपर्ड एक कुशल शिकारी होता है, लेकिन फिर यहाँ एक कमजोर बेबी इम्बाला का शिकार क्यों नहीं कर पाता। ऐसे और भी कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आज हम आपके सामने लाए हैं, जिसे देख आप सचमुच हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, हनी बैजर वर्सेस वाइल्ड डॉग। यहाँ एक हनी बैजर मैदान में अपना खाना ढूंढ रहा है। वो इस बात से अनजान है कि कुछ खूंखार जंगली कुत्ते उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और उसे कभी भी अपना शिकार बना सकते हैं। तभी जंगली कुत्ते उस हनी और दोनों एक दूसरे को मार गिराने की कोशिश में लग जाते हैं। जंगली कुत्ते काफी खूंखार होते हैं और अपने शिकार को घेर कर मारने के लिए जाने जाते हैं। ये हमेशा ग्रुप में हमला करते हैं और अपने शिकार को संभलने तक का मौका नहीं देते। हनी बैजर भी बार बार कुत्तों पर घुर्राता है और अपने बच निकलने का प्रयास भी करता है। आखिर एक टाइम ऐसा आता है जब हनी बैजर वहां से निकलता है और जंगली कुत्तों को केवल निराशा यहां लगती है। लिपर्ड वर्सेस इम्पाला। यहां लिपर्ड अपने जाल में एक इम्पाला के बच्चे को पकड़ के रखा हुआ है और काफी देर से दोनों के बीच चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। इम्पाला भी काफी छोटा है, लेकिन फिर भी वो लिपर्ड से दूर जाने की भरपूर कोशिश कर रहा है, पर फिर भी पता नहीं लिपर्ड उसका शिकार करने के बजाय उस पर ऐसा कोई घातक हमला नहीं कर सकता जिससे बेबी इम्पाला को कोई नुकसान पहुंचे, क्योंकि लिपर्ड एक खूंखार जानवर है जो एक ही अटैक में इम्पाला को मार सकता है। शायद आज बेबी इम्पाला का दिन अच्छा है जो इसके साथ लिपर्ड खेल रहा है। इम्पाला जैसे ही वहां से जाने की कोशिश करता है, लिपर्ड उसे पकड़कर फिर से अपने पास बैठा लेता है। लिपर्ड कई बार अपने शिकार को छपट्टा मारकर गिराता भी है, लेकिन फिर किसी तरह इम्पाला उसकी पकड़ से बच जाता है। हर बार हारने के बाद भी इम्पाला हार नहीं मानता और वहां से भागने की कोशिश करना नहीं छोड़ता। कई कोशिशों के बाद एक टाइम ऐसा आता है जब वो खुद को लिपर्ड की नजरों से बचाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। दोस्तों, अगर लिपर्ड चाहता तो बेबी इम्पाला का शिकार कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ बेबी इम्पाला तब तक हार नहीं मानता जब तक वो लिपर्ड से दूर नहीं चला जाता। लायन वर्सेस क्रोकोडाइल। कुछ शेरों ने तालाब के किनारे पर एक मगरमच्छ का घेराव किया है। वो सभी इसी सोच में है कि आज उनके हाथ एक बड़ा शिकार लगा है और सबका पेट अच्छे से भरने वाला है। शेर और मगरमच्छ दोनों खूंखार जानवर हैं और अपने शिकार को छोड़ने में बिल्कुल भी भरोसा नहीं रखते। दोनों के जबड़ों में इतनी ताकत होती है कि वो अपने शिकार को पल भर में मार सकते हैं। शेर थोड़ी थोड़ी देर में मगरमच्छ के पास जाते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन हर हमले के साथ ही शेरों के मन में भी डर रहता है कि कहीं वे खुद ही मगरमच्छ का शिकार ना बन जाएं। सतर्क रहते हुए वे फिर एक बार मगरमच्छ पर हमला कर देते हैं, लेकिन अब मगरमच्छ भी उनके हमलों का जवाब हमले से देता है। शेरों की संख्या ज्यादा होती है और मगर इस बात को समझ जाता है और जैसे ही एक सही मौका वो देखता है तो भाग कर तालाब में चला जाता है। उसके चले जाने के बाद से सभी शेर मायूस हो जाते हैं और एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। पूमा वर्सेस कुआनाको। जंगल में शिकार के लिए निकले पूमा के ग्रुप को एक कुआनाको दिखाई पड़ता है, लेकिन कुआनाको इस बात से अनजान है कि किसी खतरनाक जानवर की उस पर नजर है और वो आज किसी का खाना बन सकता है। पूमा को माउंटेन लायन भी कहते हैं क्योंकि इनकी पकड़ मजबूत होती है और ये लंबी छलांग लगा सकते हैं। पूमा का ग्रुप गुआनाको को देखते ही पूरी ताकत के साथ उन पर हमला कर देता है। गुआनाको ऊंट की प्रजाति के हैं, लेकिन इनकी ऊंचाई ऊंट से काफी कम होती है और इनकी कूबड़ भी नहीं होती। जैसे ही गुआनाको अपने पास बढ़ते हुए खतरे को देखता है तो वहां से उल्टे पैर भागने लगता है, लेकिन पूमा उसका पीछा करते हुए एक और पूमा गुआनाको के पेट के अंदर अपने दांत गड़ाने में सफल हो जाता है। गुआनाको खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है और अपने पैरों को तेजी से पीछे फेंकता है। उसकी जान बचाने की कोशिश रंग लाती है और वो पूमा की पकड़ से आजाद होकर तेजी से भागने लगता है। कुछ ही देर में गुआनाको पूमा की आंखों से ओझल हो जाता है। लायन वर्सेस गजेल। जंगल में तालाब के किनारे पर एक गजेल पानी पीने के लिए आया है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि उस पर किसी खूंखार जानवर की नजर है और वो आज किसी का खाना बन सकता है। गजेल जैसे ही तालाब से पानी पीने के लिए अपनी गर्दन को नीचे झुकाता है, वैसे एक शेर उस पर अपने पूरे फोर्स के साथ हमला कर देता है। शेर का हमला इतना खतरनाक होता है कि वो एक वार में ही अपने शिकार को पकड़ लेता है
और अगले ही पल वो शिकार शेर करने वाला बन जाता है। लेकिन गजैल भी किसी से कम नहीं होते हैं। वे जब भी किसी खतरे को अपने करीब पाते हैं तो काफी सतर्क हो जाते हैं और फुर्ती के साथ उस जगह से भाग निकलते हैं। शेर को अपने करीब आता देख गजैल तुरंत ही सतर्क हो जाता है और वहां से बचने के लिए खास तरकीब अपनाता है। पहले गजैल भागने की एक्टिंग करता है और जैसे ही शेर उस पर लपकता है वो फुर्ती से रुक कर पलट जाता है। शेर को उसकी चाल की भनक नहीं पड़ती और गजैल अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाता है। लायन वर्सेस ज़ीब्रा। एक शेर नदी के किनारे पर किसी जानवर के आने का इंतजार कर रहा है ताकि आज के खाने का इंतजाम हो सके। तभी वहाँ एक ज़ीब्रा पहुँचता है। वो इस खतरे से बिल्कुल अनजान है कि आज वो किसी के मुंह का निवाला बन सकता है। शेर अपने शिकार पर पैनी नजर रखता है और जैसे ही शिकार उसके दायरे में आता है वो चुपके से उस पर हमला कर देता है। शेर का मजबूत जबड़ा और ताकत उसे शिकार करने में मदद करती है, तो वही ज़ीब्रा अपनी तेज रफ्तार और मजबूत पैरों से हर खतरे से बचने के लिए जाना जाता है। ज़ीब्रा जैसे ही उस नदी को पार करता है शेर दबे पांव बाहर आता है और उस पर झपट्टा मार देता है। लेकिन तभी ज़ीब्रा को शेर दिख जाता है और वो तुरंत ही उस जगह से पलटकर भागने लगता है। शेर अपने शिकार के पीठ पर लपकता भी है लेकिन ज़ीब्रा अपने पैरों से उस पर हमला करके पूरी फुर्ती के साथ वहां से भाग जाता है। शेर उस ज़ीब्रा को अपने हाथ से निकलता देख निराश हो जाता है लेकिन उसके पीछे नहीं जाता और वापस अपनी जगह पर लौट जाता है। ज़ीब्रा की फुर्ती और दिमाग उसे आज शेर का खाना बनने से बचा लेते हैं। लायन वर्सेस वाइल्ड डॉग। शेर ने एक जंगली कुत्ते का शिकार करके उसे अपने जबड़े में दबाया हुआ है। जंगल के राजा शेर के लिए जंगली कुत्ते को पकड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कुत्ते की सूझबूझ उसे शिकार होने के बाद भी बचा सकती है। शेर अपने शिकार को मुंह में पकड़े हुए यहाँ से वहां घूम रहा है और उसके मर जाने का इंतजार कर रहा है। लेकिन इतने में वहां उस जंगली कुत्ते का एक और साथी आ पहुंचता है और शेर के आसपास चक्कर मारने लग जाता है। शेर भी उस दूसरे कुत्ते को देखकर थोड़ा सतर्क हो जाता है लेकिन अपने मुंह से शिकार को छोड़ने को राजी नहीं होता। इधर कुछ देर बीतने के बाद जब शेर को भी विश्वास हो जाता है कि उसका शिकार अब दम तोड़ चुका है, फिर क्या, वो अपने शिकार को वहीं छोड़कर दूसरे जंगली कुत्ते पर हमला कर देता है। लेकिन जैसे ही शेर उस दूसरे कुत्ते की तरफ लपकता है तो उसका शिकार कुत्ता वहां से उठाकर भाग जाता है। इस तरह से कुत्ता मरने का नाटक कर शेर को चकमा दे देता है और अपनी जान बड़े खतरे से बचा लेता है। हाइना वर्सेस गजैल। एक हाइना अपने शिकार की तलाश में भटक रहा है तभी उसे एक चीता दिखाई देता है जिसने गजैल को अपना शिकार बनाया हुआ है। चीता काफी ताकतवर होता है और उसके लिए हाइना का शिकार करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाइना भी खूंखार होते हैं और किसी से भी भिड़ने से पीछे नहीं हटते। धीरे धीरे हाइना उस चीता के पास जाने की कोशिश करता है लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में भी चीता के लिए डर रहता है। फिर भी वो हिम्मत जुटाकर चीता के पास पहुंच जाता है और उसे वहां से भगाने में कामयाब हो जाता है। चीता के जाने के बाद हाइना उस गजैल को पकड़कर खींचने लग जाता है। दूर खड़ा चीता ये सब देख रहा है लेकिन वो अपने शिकार के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। कुछ ही देर में हाइना फिर एक बार चीता पर हमला करता है और इस बार चीता वहां से भाग जाता है। लेकिन तभी गजैल मौका देखकर उठ खड़ा होता है, वहां से हाइना को चकमा देकर रफू चक्कर हो जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। हम आपसे जल्दी मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।